बरेली के विशारदगंज थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विकास नशे का आदी है। उसने अपने ही बहनोई को फंसाने के लिए उसके पड़ोस के रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में छुपा दिया था। इतना ही नहीं, हत्यारोपी विकास ने शराब के नशे में मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गन्ने से ताबड़तोड़ कई बार भी किए थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी विकास को जेल भेज दिया है। दरअसल बीते 10 दिन पहले बरेली के विशारदगंज थाना पुलिस को फोन कॉल के जरिए एक मासूम बच्ची के गायब होने की सूचना मिली। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बच्ची को तलाश किया मगर कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन 2 दिन बाद लोगों ने बच्ची के घर से 100 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में उसका खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की इस वारदात से बरेली से लेकर लखनऊ तक अफरातफरी मच गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दिन पहले 9 वर्ष की बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी। 2 दिन बाद इसकी डेड बॉडी पास के ईक के खेत से बरामद हुई, जिसमें लग रहा था कि रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस के सघन प्रयास से इस केस का अनावरण हुआ है। विकास नाम का एक अभियुक्त है, जिसकी रिश्तेदारी मृतका बच्ची के घर के पास राजेश नाम के व्यक्ति के यहाँ थी। ये अपनी बहन के यहाँ आया था और इसी दौरान इसने ये वारदात को अंजाम दे दिया। ये अभियुक्त आज गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि कम समय था, इसलिए इसका PCR लिया जाएगा और जो इसने बताया है कि कुछ चीज़ें जो घटना स्थल है एक का खेत उसमें छूट गई थी, वे चीज़ें रिकवर की जाएंगी और अभियुक्त को आज जेल भेजा जा रहा है। केस से पहले भी जेल जा चुका है? इसका आपराधिक इतिहास है, ये NDPS आर्म्स एक्ट में कई बार जेल जा चुका है। सर, उसको ही केंद्र कैसे बनाया गया, उसको ही कैसे मतलब चूज किया गया, यही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है? ये जो लड़की का भाई है, उसने इस तरह का संदेह व्यक्त किया था प्रथम दिन कि ये लड़का पुलिया पर बैठा था और उसकी बहन वहाँ पर पहिया चला रही थी, यानी खेल रही थी। डॉग स्क्वाड ने भी इसमें मदद की। डॉग मौके से सीधे राजेश के घर पहुँचा, जो इसका बहनोई है, जहाँ पर ये लड़का खट्टा से पहले आया था। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई इसकी? ये थाने के पास आंवला क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है, प्रातः 8:15।